ब्रीच बेबी या ब्रीच पोजीशन। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन गायनेकोलॉजिस्ट, आज हम इसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या होता है ब्रीच पोजीशन या ब्रीच बच्चा। नॉर्मली जो बच्चा होता है वो माँ के अंदर, जब बच्चेदानी के अंदर होता है तो उसका जो सिर होता है वह नीचे की साइड में होता है, जो कि एक नॉर्मल चीज है। बच्चे का जो सिर होता है वो माँ के यूट्रस के अंदर नीचे की साइड में होता है, उसके पैर ऊपर होते हैं, बटक्स ऊपर होते हैं, तो ये एक नॉर्मल पोजीशन है जिसे हम हेड पोजीशन या सिफेलिक पोजीशन बोलते हैं। जब बच्चा इस पोजीशन ना होके उल्टा हो जाता है, यानी कि उसका सिर ऊपर की तरफ होता है और पैर और बटक नीचे की तरफ होते हैं, तब हम उसे कहते हैं ब्रीच पोजीशन या ब्रीच बेबी। यानी कि जैसे आप हैं, आपके अंदर बच्चा वैसा ही है, आपका सिर ऊपर है, बच्चे का सिर भी ऊपर है, तो ये दोनों का जो एक साथ जैसा है, ये एक एबनॉर्मल पोजीशन है, इसे हम कहते हैं ब्रीच पोजीशन। ब्रीच पोजीशन लगभग 3-4% महिलाओं में पाई जाती है, यानी कि 3-4% बच्चे अंदर इस तरह से उल्टा पोजीशन में होते हैं। ब्रीच पोजीशन 3 प्रकार की होती है, जिसको हम कहते हैं कंप्लीट ब्रीच, फ्रैंक ब्रीच और फुटलेग ब्रीच। सबसे पहले होता है कंप्लीट ब्रीच। कंप्लीट ब्रीच यानी कि बच्चा ने अपना पैर को, थाई को भी मोड़ रखा है और नी जॉइंट को भी मोड़ रखा है, जिसके कारण कि जो बच्चेदानी का निचला हिस्सा है वहां पे हमें बच्चे के बटक्स मिलेंगे और बच्चे का फुट भी मिलेगा। दूसरा होता है फ्रैंक ब्रीच, ये था कंप्लीट ब्रीच। दूसरा होता है फ्रैंक ब्रीच। फ्रैंक ब्रीच में बच्चे के जो नी जॉइंट है वो एक्सटेंडेड होता है, बच्चे का बटक्स नीचे होते हैं, तो हम जब नीचे वाला हिस्सा देखते हैं, माँ का जो यूट्रस का नीचे वाली पोजीशन होती है, वहाँ पे हमें सिर्फ बच्चे के बटक्स मिलते हैं। तीसरी पोजीशन होती है फुटलिंग ब्रीच। फुटलिंग ब्रीच में बच्चे का डिलीवरी के टाइम पे पहला एक या दोनों पैर पहले आते हैं और बाकी का हिस्सा बाद में आता है। तो यह हुई 3 वेराइटी के ब्रीच। अब अच्छा, ब्रीच होता क्यों है, क्यों बच्चा माँ के यूट्रस के अंदर इस तरह से उल्टी पोजीशन में चला जाता है, इसके कई कारण हैं। सबसे कॉमन इसका जो कारण है वह है मल्टी ग्रेविडिटी, यानी कि महिला ने ऑलरेडी एक या दो बच्चों को जन्म दे चुकी है, उसके बाद अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो ब्रीच होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वह अधिक होती है। मल्टीपल प्रेगनेंसी यानी कि माँ के पेट के अंदर एक बच्चा ना होके 2 या 3 बच्चे हैं, ट्विंस या ट्रिपलेट्स हैं, तब भी ब्रीच होने की संभावना अधिक होती है। बच्चे के चारों तरफ जो पानी है ये या तो ज्यादा है अथवा कम है, यानी कि पॉलीहाइड्रोमनियोस है या फिर ओलिगोहाइड्रोमनियोस है, पानी ज्यादा या कम होगा तो भी बच्चा ब्रीच पोजीशन में हो सकता है। प्लेसेंटा नीचे की तरफ है, लो लाइन प्लेसेंटा है या प्लेसेंटा प्रीविया है। कभी कभी बच्चेदानी की जो शेप होती है वह नॉर्मल होती है, सेप्टम हो सकता है उसके अंदर, बायकॉन्वेक्स यूट्रस हो सकता है। कभी कभी यूट्रस के अंदर, बच्चेदानी के अंदर जो फाइब्रॉइड्स होते हैं उसके कारण भी बच्चा ब्रीच पोजीशन ले लेता है, यानी कि बच्चा नॉर्मल पोजीशन, हेड पोजीशन में ना होके ब्रीच पोजीशन में हमें मिलता है। तो ये होते हैं कॉमन कारण जिससे कि बच्चा ब्रीच हमें मिलता है। अब अगर बच्चा ब्रीच है तो डॉक्टर को कैसे पता चलता है? बहुत आसान होता है डॉक्टर्स के लिए डिटेक्ट करना, जब वे क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, यानी कि आपके पेट के ऊपर हाथ रख के चेक करते हैं, तो उससे भी उन्हें पता चल जाता है कि बच्चे का सिर किस तरफ है, ऊपर है या नीचे है। सोनोग्राफी में बड़ी क्लियरली नजर आ जाता है कि बच्चा ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। अब चलिए कि ये मान लिया कि ब्रीच बेबी है। एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि जब शुरुआती महीने होते हैं तो बच्चा उल्टा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, बच्चे के चारों तरफ बहुत सारा पानी होता है, बड़ा सा स्विमिंग पूल है बच्चे के लिए, बच्चा उसके अंदर घूमता रहता है, तो बच्चा कभी सीधा कभी उल्टा हो सकता है, जो कि नॉर्मल चीज़ है। यानी कि अगर आपकी 20 हफ्ते की सोनोग्राफी ये बोल रही है कि बच्चा उल्टा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो बच्चा घूमेगा, वो सीधा भी हो सकता है। लेकिन अगर आपकी 32 वीक्स वाली 8वें महीने की सोनोग्राफी ये बोल रही है कि बच्चा उल्टा है, तो ज़रूर हम ये मानते हैं कि हो सकता है बच्चा उल्टा का उल्टा ही रहे, वापस सीधा ना हो, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो बच्चे के चारों तरफ जो पानी होता है वो रिलेटिवली कम हो जाता है। बच्चा क्या है, फिर हाथ पैर तो मारता है लेकिन पूरा घूमना बच्चे के लिए मुश्किल हो जाता है। तो हम किसी भी बच्चे को ब्रीच का लेबल कि ये ब्रीच बच्चा है, मैं तभी देते हैं जब यूजुअली 32 हफ्ते की प्रेगनेंसी हो चुकी होती है। अब मान लिया कि ब्रीच हमें पता चल गया, ब्रीच पोजिशन है, तो ब्रीच पोजीशन है तो क्या हम उसे सीधा कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा सिस्टम होता है जिससे डॉक्टर उसे घुमा सकता है? जी हाँ, ऐसा सिस्टम होता है जिसे हम हमारी भाषा में एक्सटर्नल केफालिक वर्जन कहते हैं,
ये यूजली 36 हफ्ते के आसपास किया जाता है, 34-36 वीक्स के आसपास, जिसमें कि डॉक्टर बच्चे को घुमा के सीधा कर सकता है। उसमें मदर को रिलैक्सेंस दिए जाते हैं, यूट्राइन रिलैक्सेंस, और बच्चे को धीरे धीरे घुमा के सीधा कर दिया जाता है। यह प्रोसीजर हर महिला में नहीं किया जा सकता, स्पेसिफिकली अगर आपका प्लेसेंटा नीचे है या ट्विन प्रेगनेंसी है या महिला का बीपी काफ़ी हाई है, तो हम ये सब अटेम्प्ट नहीं करते। या बच्चेदानी की शेप ही अजीब सी, यानी कि बायकॉनियल यूट्रस है या सेप्टम है, तो हम यह अटेम्प्ट नहीं करते हैं। अगर इसके अलावा किसी कारण से ब्रीच है तो हम उसे एक्सटर्नल केफेलिक वॉयजन कर सकते हैं। ऑल्दो एक्सटर्नल केफेलिक वॉयजन में 1-2% रिस्क ये रहता है कि जब हम उसे ऐसा सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं तो प्लेसेंटा सेपरेट हो जाए, जिसे हम प्लेसेंटल अब्रप्शन बोलते हैं, या डिलीवरी वाला जो दर्द है वो थोड़ा जल्दी चालू हो जाए, या जो बैग ऑफ मैमलेंस है वो रप्चर हो जाए, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मैमलेंस हो जाए। कभी कभी कॉर्ड एंटैंगलमेंट, यानी कि बच्चे के चारों गले के तरफ जो लूप है, अम्बेकल कॉर्ड है, उसका लूप बन जाए। ये सभी प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस 1-2% केसेस में हो सकते हैं। अब ये तो बात है कि डॉक्टर किस तरह से सीधा करते हैं और कब नहीं कर सकते हैं। क्या आप खुद से कुछ ऐसा कर सकती हैं कि बच्चा अपने आप सीधा हो जाए? बहुत बार पेशेंट हमसे पूछते हैं मैडम हम क्या खाएं या क्या करें जिससे बच्चा सीधा हो जाए। तो इसके लिए कुछ प्रकार की एक्सरसाइजेस होती हैं जो कि आप कर सकते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है ब्रीच टिल्ट। ब्रीच टिल्ट में क्या किया जाता है, महिला को लिटाया जाता है, वह लेट जाती है और उसका जो हिप एरिया है, यानी जो बटक्स हैं, उसको रेज किया जाता है। उसके नीचे पिलोज लगा दिए जाते हैं, 2-3 पिलो लगा देते हैं, यानी कि लगभग 1 फिट जितना बटक्स को, हिप्स को रेस करना होता है। ऐसा करके महिला को लगभग 10-15 मिनट के लिए लेटे रहना होता है, डीप ब्रीदिंग करनी होती है, रिलैक्स रहना होता है बिल्कुल। और हम कहते हैं कि ये प्रोसीजर आप दिन में 2-3 बार कम से कम रिपीट कीजिए। बहुत बार इसमें साथ में हम एक म्यूजिक थेरेपी कंबाइन कर देते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि बच्चा सुन सकता है माँ के गर्भ के अंदर, स्पेसिफिकली 5 महीने जब हो चुके होते हैं उसके बाद बच्चा आपकी बात सुन सकता है। तो हम कहते हैं कि हेडफोन्स कुछ रिकॉर्डेड म्यूजिक हो या आप ही की रिकॉर्डेड वॉइस हो, तो उसको हम बच्चेदानी के नीचे वाले हिस्से पे लगाने के लिए कहते हैं, पेट में नीचे की तरफ लगाने के लिए कहते हैं। तो हम ये मानते हैं कि वो सुनने के लिए बच्चा मूव करके अपने कान वहाँ लाने की कोशिश करे और बच्चा सीधा हो जाए, तो वो भी हम एडवाइस करते हैं आप ऐसा भी कर सकती हैं। दूसरी एक्सरसाइज जो होती है, जो हम कहते हैं, वो होती है नी टू चेस्ट एक्सरसाइज। वह भी हम रेकमेंड करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि दिन में 2-3 बार कीजिए आप 5-10 मिनट के लिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कहते हैं कि आप अपना प्रॉपर पोस्चर मेंटेन कीजिए। प्रॉपर पोस्चर यानी कि आप स्ट्रेट खड़े रहिए, जब भी खड़े हों स्ट्रेट रहिए, आपके शोल्डर्स नेचुरली ड्रूप करने चाहिए, आपको पेट बाहर नहीं निकाल के रखना है, पेट को अंदर की तरफ खींच के रखिए, पेट बाहर निकाल के मत रखिए। जब खड़े हों तो दोनों पांव के बीच में लगभग आपके दोनों शोल्डर के जितना डिस्टेंस रहे, और दोनों पैरों पे बराबर वजन आप दें, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जिससे नेचुरली बच्चा हेड डायरेक्शन में शिफ्ट होने की कोशिश करता है, और बीच से कभी कभी बच्चा सिफेलिक या नॉर्मल हेड पोजिशन में शिफ्ट हो जाता है। अब एक और चीज़ की अगर बाई चांस बच्चा बीच ही रहे तो क्या दिक्कत है, उल्टा है तो क्या हो गया? जी हाँ, कुछ दिक्कत है, इसीलिए हमें टेंशन होती है ब्रीच की। प्रॉब्लम क्या होती है, जब अगर बच्चा ब्रीच होता है और हम नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं तो ब्रीच बच्चा नॉर्मल डिलीवरी में अटक सकता है। अब ब्रीच बच्चा नॉर्मल डिलीवरी में अगर अटक जाएगा तो बच्चे के का जो कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, वह दबनी शुरू हो जाती है, तो बच्चे का जो ऑक्सीजन सप्लाई होता है, जो ब्लड सप्लाई होता है, न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई होता है, वह सब रुकने लग जाता है, बच्चे में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, फीजर हाइपोक्सिया हो जाता है, जिससे कि लॉन्ग रन में बच्चे में मेंटल थोड़ा रिटार्डेशन आने का रिस्क रहता है, कभी कभी बच्चे की मृत्यु भी जन्म के समय हो सकती है। तो ये वो रिस्क फैक्टर्स हैं जो नॉर्मल डिलीवरी में अगर बच्चा उल्टा है तो रहते हैं। मैं ये नहीं कहती कि हर बच्चा ही ब्रीच में अटक जाता है, पर अटकने की संभावना अच्छी खासी होती है। इसलिए हम अगर बच्चा ब्रीच है तो हम ये सब रिस्क लेने के लिए मना करते हैं, और हम कहते हैं कि सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड सिजेरियन कर दिया जाए। क्योंकि अगर बच्चा एक बार अटकता है और फिर हम सिजेरियन करें तो उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि तब तक बच्चे का पूरा ऑक्सीजन सप्लाई जा चुका होता है। तो अगर हमें ब्रीच है और स्पेसिफिकली प्राइमरी ब्रीच है, यानी कि पहला बच्चा है, उल्टा है, या बच्चे का साइज अगर थोड़ा अच्छा हैवी बच्चा है, या फिर प्रीटर्म ब्रीच है, यानी कि पूरे 9 महीने पूरे नहीं हुए,
तो हम स्पेसिफिक कहते हैं कि हम नॉर्मल डिलीवरी की ट्रायल देने की जगह सीधे सिजेरियन करना प्रेफर करते हैं ब्लीच बच्चे के अंदर। अगर आपको इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन हो इसके बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के डेफिनेटली पूछ सकती हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं। धन्यवाद।